नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सिंपल रेसिपी। दोस्तों, आंवले का सीजन आ गया है, तो आंवले को हम ऑफ सीजन के लिए कैसे स्टोर करेंगे उसका एक बहुत ही सिंपल तरीका मैं बता रही हूँ आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टोर के लिए आप ऐसे ही साबुत आंवला भी यूज कर सकते हैं या फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं तो मैं इसको थोड़ा सा टुकड़े में काट लूँगी। ये एक एक जो फ्लेक्स दिख रहे हैं मैं ऐसे ही तरीके से काट लेती हूँ। तो देखिए, मैंने इसको ऐसे ही फ्लेक के हिसाब से काट लिया है। आप कुछ किसी भी शेप्स में काट सकते हैं। मैंने इसको काट लिया है और जो अदरक है इसको थोड़ा सा ऐसे लंबे लंबे काट लिया है, ताकि अगर फ्यूचर में आप ऑक्सीजन में यूज़ करेंगे इसको, कभी मीठा कुछ मुरब्बा वगैरह बनानी हो तो आप इसको निकाल के जितना चाहे उतना यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसको निकाल के फ्रेश चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। और मिर्ची भी मैं टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा ही डालूँगी, ताकि अगर कोई मीठा चीज़ बनानी हो तो ज़्यादा मिर्ची ना हो जाए। ये सारे दोस्तों आप कोई चटनी बनाएं या फिर मीठे की चीज़ बनाएं या खट्टे की तीखी वाली चीज़ बनाएं, ये दोनों तो उसमें डलते ही हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मैं गार्लिक नहीं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि बाद में उसको आप मीठी चीज़ों में मुरब्बा वगैरह या मीठी चटनी वगैरह आप इसमें बना नहीं सकते गार्लिक डालने से, तो इसलिए मैं इसमें गार्लिक नहीं डाल रही हूँ। तो पहले इसको थोड़ा सा इसमें जो कशेलापन है उसको निकाल देते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पानी थोड़ा सा बॉईल करने के लिए रख दिया था। पानी बॉईल हो गया है, देखिए अभी मैं इसको एक एक दो मिनट के लिए इसको बॉईल करने के लिए डाल देती हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी, क्योंकि बाकी बाद में भी ऐड करना है। अब इसको एक दो मिनट के लिए बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए, इसमें उबाल बढ़िया सी आ गई है। अभी हम इसको गैस को ऑफ कर लेते हैं और ये वाले पानी जो है वो हम थ्रो कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेन कर लेते हैं इसको। देखिए, मैंने अभी इसी कटोरी में इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। अभी मैं जितना आंवला है उतना ही पानी में उसी बॉल में अगेन बॉयल करने के लिए डाल देती हूँ। अभी थोड़ा सा गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए, पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया है, बबल्स आना स्टार्ट हो गया है। अभी हम इसमें डाल देंगे जिंजर। जिंजर मैं थोड़ा सा ही डाल रही हूँ, क्योंकि हमारा एक कटोरी है तो मैं इसका बस आधा ही डाल रही हूँ। इस तरह से स्टोर कर फ्लेवर आने के लिए इसको डालना है। और एक दो मिर्ची ऐसे ही डाल दिया मैंने, बस इसको थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। देखिए, वाटर बिल्कुल ही फ्लेवर हो गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर अमाउंट, कितना आंवला है। आप चाहे तो थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर भी डाल सकते हैं। बस अभी इस आंवले को इसके अंदर डाल देंगे और दो मिनट के लिए इसको कुक होने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए, दो मिनट हो गए हैं, पानी भी काफ़ी कम हो गए हैं, तो अब हम इसको गैस ऑफ कर देते हैं और इसको पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए, हमारा ये बिल्कुल भी ठंडा हो गया है, हम इसका टच भी कर सकते हैं। तो अभी इसको एक कांच की बोतल लेके अच्छी तरह से साफ करके बिल्कुल ही इसको ड्राई कर लें, फिर हम इसको इसमें डाल देंगे। देखिए, मैंने इसको सारा भर लिया है और ये इसका जो पानी है बिल्कुल ही इसका कवर्ड है। अगर आपको लगे कि आपका पानी कम हो गया है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाटर गर्म करके अगेन उसको कूल करके फिर इसमें डाल देना है। तो ये आपका एक ब्राइन सॉल्यूशन बन गया है। ये ब्राइन में आप स्टोर करके रख रहे हैं और इसके कवर को तो एक कपड़ा लगा लें या फिर कोई मोटा सा टिश्यू पेपर लगा लें और इसको अच्छे से इसको टाइटली बंद करके स्टोर करके रख लें। ऑफ सीजन में जब भी आपको चटनी मुरब्बा या फिर अचार कुछ भी बनाना हो तो इसमें से बस निकालिए। बस ये ब्राइन यूज़ ना करें, जो पानी है उसको आप यूज़ ना करें, बस खाली आंवला को निकालें और उसको यूज़ करें। देखिए, ये मेरे लास्ट ईयर का थोड़ा सा पड़ा हुआ था, बस इतना ही बचा हुआ है। इसको मैं काफ़ी यूज़ करा पूरा समर सीजन में।
दोस्तों, अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर कर लेना। थैंक यू।